हे फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी की एकदम इजी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं भरमा गोभी। तो भरमा गोभी कैसे बनाते हैं, चलिए आपको अब हम रेसिपी बताते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक गोभी ली है और गोभी के जो सारे पत्ते हैं हमने उसे कट कर लिया है। इसके बाद हम गोभी को अच्छे से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद हम यहाँ पर एक गंजी लेंगे और इस गंजी में रखेंगे गोभी। और गोभी रखने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे डालेंगे नमक, ताकि जो हमारी गोभी है वो अच्छी तरीके से पक जाए। आपको इसे ओवर कुक भी नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे इसे रख दिया है। अब जब तक हमारी यहाँ पे गोभी बॉईल हो रही है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है 2 कटा हुआ प्याज, 2 टमाटर, अदरक लहसुन, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे गोभी को चेक करते हैं कि हमारी जो गोभी है वो हुई या नहीं। तो आप देखेंगे कि गोभी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, और आप नाइफ़ की सहायता से देख सकते हैं कि आपकी जो गोभी है वो पकी है या नहीं पकी है। तो मैंने यहाँ पे फिंगर से देखा तो ये अच्छे से पक गई है। तो अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे और गोभी को निकाल के ठंडे पानी से धो लेंगे। अगर आप यहाँ पर इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो जो आपकी गोभी है वो बिखर जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गोभी निकाल ली है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में ऑयल लिया है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे गोभी को फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमने गोभी को पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है, और अब हम यहाँ पे गोभी को फिर से पलट दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये गोभी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है ऊपर से। तो हम यहाँ पर इसे थोड़े सी और नीचे से फ्राई करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर गोभी को निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये कितनी अच्छी दिख रही है। और इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ गरम मसाले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ तेज पत्ता लिया है, लौंग लिया है, और यहाँ पे मिक्स हमने गरम मसाले ले लिया है जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और अब हमने यहाँ पे जो पेस्ट बनाया था प्याज अदरक लहसुन का, हमने वो पेस्ट यहाँ पर डाल दिया है, और अब हम यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो अनियन का पेस्ट रहता है उसे अच्छे से पकाना है, नहीं तो आप जो भी वेजिटेबल बनाएंगे वो उसमें सिर्फ अनियन अनियन टेस्ट लगेगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला था, इसे ढककर हमने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो देखिए, अब यहाँ पर इसका जो पानी है वो सूख गया है और इसका कलर भी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर डालते हैं टमाटर की प्यूरी, जो कि हमने 2 टमाटर लिए थे और उसकी हमने यहाँ पर प्यूरी तैयार कर ली थी। प्यूरी डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी लेंगे, और हमने जार में ही पानी ले लिया था और इसके बाद हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसका भी पानी जो हमने डाला है उसे सूखने देंगे। तब तक हमारे जो टमाटर और अनियन है वो अच्छे से पक जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसे ढक दिया था। अब हम यहाँ पे ढक्कन खोल रहे हैं 1 मिनट के बाद। तो आप देखेंगे कि जो इसका ऑयल है और इसका जो कलर है वो कितना चेंज हो गया है। ऑयल इसका ऊपर आ गया है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गैस को लो रखना है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब डाल रहे हैं हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने यहाँ पे गोभी में भी नमक डाला है, तो आपको यहाँ पे नमक ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक यहाँ पे डालना है। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, और इसके बाद इसे मिक्स करेंगे, और फ्रेंड्स, इसका पानी सूखने तक हम इसे भी अच्छे तरीके से कुक करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर ढक्कन ढाक कर इसे 1 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम में। और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से पकने देंगे। और आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है। तो चलिए, इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये हल्का हल्का चिपक गया है, और पानी डालोगे आप तो ये अच्छे से निकल जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे गोभी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गोभी डाल दी है, और धीरे धीरे आपको यहाँ पर इसका जो मसाला है उसे अच्छे से गोभी में मिला देना है। एक बार इसे पलट देंगे तो इस तरीके से इसे मिला देना है अच्छे से, लेकिन आपको ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलानी है, नहीं तो ये जो गोभी है वो आपकी पहले ही टूट जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, और 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे, और इसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, क्योंकि हमारी जो गोभी है वो ऑलरेडी कुक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारी जो गोभी की सब्जी है, वर्मा गोभी आप इसे बोल सकते हैं, बनके एकदम तैयार हो गई है। तो चलिए कर लेते हैं अब इसकी प्लेटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे जो वर्मा गोभी की सब्जी है वो बनके एकदम तैयार हो गई है। इसे बनाना बिल्कुल इजी है, बहुत जल्दी ही बन जाती है, आपके 5 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।